कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड कितना मंथली ईएमआई आएगा, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर। एंड इस बाइक का अगर माइलेज की बात करूँ तो लगभग लो रेंज एंड मिड रेंज जो है काफ़ी अच्छा है। एंड इस बाइक का अगर प्राइस की बात करें तो इस बाइक का जो प्राइस है इट इज़, इस बाइक का एक बार आप लोगों को मैं साउंड सुना देता हूँ। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A few minutes later. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Shourab and you watching Shourab's vlog. And guys, आज मैं आ चुका हूँ परमेश्वर सुजुकी में। एंड ये जो शोरूम है उत्तरपाड़ा भद्रकाली के सामने है। एंड आज मैं वॉकआउट करने वाला हूँ दिस सुजुकी जिक्सर SF 155 BS6 वेरियंट। एंड इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड लगभग 80,000 डाउन पेमेंट से आपका कितना मंथली EMI आएगा, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। एंड कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है इसलिए मेरे को, मतलब आप देख सकते हैं, मास्क यूज़ करना पड़ रहा है हर जगह। एंड आप लोग को अगर सुजुकी का कोई भी बाइक लेना है, आप लोग अगर हावड़ा हुगली कोलकाता से हो तो डेफिनेटली आप परमेश्वर सुजुकी में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं इसका एक फ्रेश वॉकडाउन से। सो दिस इज़ द सुजुकी जिक्सर SF 155 BS6 वेरियंट। एंड इस बाइक का टोटल 3 कलर आता है। एंड आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इसका कितना प्राइस है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो टोटल 3 कलर आ रहा है। ये जो है MotoGP एडिशन नहीं है, ये है ब्लू कलर। एंड इसको छोड़ के और एक कलर है ब्लैक एंड और एक जो कलर है रेड, विच इज़ यहाँ पर नेकेड मॉडल है। नेकेड मॉडल का जो रेड कलर है यही सेम आपको SM में भी मिल जाएगा। तो टोटल 3 कलर मिल रहा है। एंड तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, आप देख पा रहे हैं इट इज़ फुल्ली LED। एंड ये जो इंडिकेटर है विच इज़ बल्ब इंडिकेटर, मडगार्ड के ऊपर आपको सुजुकी का ब्रांडिंग मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको एक छोटा एक तो विंडशील्ड भी मिलता है। एंड यहाँ पर जो मिरर का जो सेटअप है विच इज़ फोल्डेबल मिरर, ये आप देख पा रहे हैं ये जो मिरर है सेम मिरर आपको फोल्डेबल मिरर मिलेगा। एंड नंबर प्लेट लगाने का जगह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा। एंड कलर का जो क्वालिटी है विच इज़ मेटालिक ब्लू इट इज़। एंड हेयर इज़ द 41mm आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। एंड फ्रंट का जो डिश है विच इज़ अप्रॉक्स 276mm का फ्रंट का डिश है। एंड इट इज़ सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। बाइब्रेक का कैलिपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एंड फ्रंट का जो टायर है इट इज़ MRF नाइलो ग्रिप जैपर X का टायर है, 100/80/17 एंड ट्यूबलेस टायर है। एंड दिस इज एयर कूल्ड इंजन। एंड ऊपर में आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। एंड टैंकी यहाँ पर आपको ट्विन कलर देखने को मिलता है, जो ब्लैक एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हेयर इज द जिक्सर SF का यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाता है, जिक्सर का यहाँ पर स्टिकरिंग मिल जाता है। एंड नीचे में आपको सुजुकी का स्टिकरिंग मिल जाता है। इधर का जो पैनल है विच इज़ फुल्ली ब्लैक में है। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इट्स ए 155cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन एंड इट इज़ ऑल्सो फ्यूल इंजेक्टेड SOEC इंजन। इसका अगर पावर फिगर की बात करें तो लगभग 13.6 PS का आपको BHP मिलता है, 13.8 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। जो टॉर्क एंड BHP जो है काफ़ी सिमिलर है, तो इसके कारण इस बाइक का जो लो रेंज एंड मिड रेंज जो है काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो इंजन है 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, ये जो गियरबॉक्स है इट इज़ 5-speed गियरबॉक्स। ओके, एंड इस बाइक का जो सीट हाइट है इट इज़ 795mm बाइक का सीट हाइट। बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज़ 165mm बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस।
एंड बाइक का जो वेट है इट इज 148 kg बाइक का वेट। एंड हियर इज द मोनोशॉक एब्जॉर्बर व्हिच इज एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर। एंड यहाँ पर आपको सुजुकी का हर बाइक में आपको देखने को मिलेगा ACB टेक्नोलॉजी व्हिच इज सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी। एंड इस बाइक का अगर माइलेज की बात करूँ तो लगभग 45 टू 50 kmpl का आपको माइलेज आराम से मिल जाएगा। एंड हियर इज द एल्यूमिनियम फुटपेक एग्जॉस्ट जो है आपको यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको पूरा क्रोम सील्ड ऊपर आपको मिल जाता है आप देख पा रहे हैं। एंड हियर इज द बॉक्स कटिंग स्विंगम एंड पीछे में आपको 220 mm का डिस्क मिलता है विद वाइब्रेट कैलिपर के साथ। एंड यहाँ पर आपको कोई भी RLP सेंसर या फिर कोई भी ABS का फंक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ सिंगल चैनल ABS है। ओके, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है पूरा मार्क्स देने के कारण। एंड नीचे का जो टायर है मतलब पीछे का जो टायर है इट इज़ MRF रेवजी M का टायर है एंड इट इज़ 140/60/17 एंड इट इज़ ट्यूबलेस एंड रेडियल टायर। फ्रंट में आपको रेडियल टायर नहीं मिलता है, पीछे में आपको रेडियल टायर मिलता है। एंड हेयर इज द टायर। अगर सीट का जो कंफर्ट है सीट का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कंफर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है। राइडर का जो सीट है काफ़ी चौड़ा है एंड काफ़ी लंबा है। एंड पिलियन का जो सीट है हेवी प्रॉपर यहाँ पर आपको पिलियन का सीट मिल जाता है, लेकिन थोड़ा हायर साइड में रखा गया है पिलियन का सीट। हेयर इज द ग्रैब ग्रिल आप देख सकते हैं पिलियन के लिए। पीछे का जो लाइट आप देख पा रहे हैं फुली LED टेल लाइट यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड हेयर इज द बल्ब इंडिकेटर एंड दिस इज द मड एक्सटेंशन यहाँ पर एक्स्ट्रा करके बढ़ाया गया है। एंड हेयर इज द नंबर प्लेट का लाइट LED रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। एंड हेयर इज द साड़ी गार्ड एंड इट इज़ ओपन साइड चेन सेटअप। तो लगभग 500-600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। इस बाइक में आप देख पा रहे हैं इसमें आपको साइड स्टैंड एंड मिडिल स्टैंड दोनों स्टैंड ही मिलता है। ओके, एंड ऊपर हैंडल बार जो है आप देख पा रहे हैं दिस इज फुली क्लिप ऑन हैंडल बार। हैंडल बार की यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच सेल बटन हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच ऑन एंड हियर इज द डिपर बटन डिपर बीम है तो आप लोग को दिखा देता हूँ। फ्रंट का जो लाइट है काफ़ी तेज़ है LED होने के बाद भी काफ़ी तेज़ है ब्राइट LED है। एंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, ऊपर में मिलता है टैकोमीटर कौन सा गियर पे है स्पीड फ्यूल गेज बैटरी वोल्टेज टाइम एंड यहाँ पर और भी आपको इंटरवल एंड ऑयल चेंज एंड ट्रिप वन ट्रिप टू एंड ओडो इसी में आपको शो करेगा। यहाँ पर आपको सुजुकी का ब्रांडिंग मिल जाता है एडजस्ट बटन मिल जाता है ABS का सिग्नल न्यूट्रल का सिग्नल एंड इंजन माल फंक्शन ABS एंड कोई भी एरर आएगा तो शो करेगा। एंड इंडिकेटर का सिग्नल यहाँ पर दोनों साइड पे इंडिकेटर का सिग्नल भी मिल जाता है एंड इट इज़ शिफ्ट RPM लिमिट। एंड क्लच जो है काफ़ी लाइट है एंड यहाँ ब्रेक लीवर भी देख पा रहे हैं। ओके, एंड इस बाइक का प्राइस की बात करें तो इस बाइक का जो प्राइस है इट इज़ 129,662 rupees एक शोरूम प्राइस। ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना है तो आप डेफिनेटली परमेश्वर सुजुकी हुगली में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस बाइक का अगर EMI की बात करें तो मिनिमम इस बाइक को लेने के लिए आपको जो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा विच इज़ 32,000 डाउन पेमेंट से इस बाइक को आप ले सकते हैं। आप लोग अगर 32,000 डाउन पेमेंट करते तो आपको जो हर महीना जो EMI आने वाला है विच इज़ दो साल के लिए मतलब 26 महीना के लिए आपको जो EMI आने वाला है विच इज़ 6,351 rupees दो साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। तीन साल के लिए आप लोग अगर जाएंगे 36 महीना के लिए आप लोग अगर जाएंगे तो 4,619 rupees आपको तीन साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। आप अगर चार साल के लिए जाएंगे तो 3,767 rupees आपको चार साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। आप लोग अगर 80,000 डाउन पेमेंट करते 80,000 आप लोग अगर डाउन पेमेंट करते तो आपको जो दो साल के लिए जो EMI आने वाला है विच इज़ 3,932 rupees 26 महीना के लिए आपको EMI आने वाला है। एंड 36 महीना के लिए मतलब तीन साल के लिए आप लोग अगर जाएंगे तो 2,859 rupees आपको तीन साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। एंड इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लाएगा वो है वोटर कार्ड आधार कार्ड बैंक स्टेटमेंट तो डेफिनेटली लाएगा पासबुक का पासबुक लाएगा एंड तीन कॉपी चेक एंड एक वन कॉपी फ़ोटो लाएगा। एंड बाकी आप लोग को अगर और भी
किसी भी बाइक का अगर फिनांस आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिनांसर का नंबर दिया रहेगा, शोरूम का भी नंबर दिया रहेगा, तो आप लोग डेफिनेटली उनको ऑफिशियल टाइम पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड बाकी आप लोग बोलिए आपको वीडियो कैसा लगा इस बाइक का। एक बार आप लोग को मैं साउंड सुना देता हूँ। साउंड जो है गाइस काफ़ी अच्छा है, एकदम ये लाउड साउंड नहीं है। एंड बाकी आप लोग बोलिए आपको इस बाइक को रिलेटेड और भी अगर कुछ भी आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस सुजुकी का और भी काफ़ी ऑफर चल रहा है जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। टोटल सुजुकी एश्योरेंस 5 ईयर्स के लिए आपका बाइक का, जो हर बाइक का सुजुकी का हर बाइक का आपको 5 ईयर्स के लिए वारंटी मिलेगा। वैसे तो 2 ईयर्स का वारंटी जो है स्टैंडर्ड मिलता है, एक्सटेंडेड वारंटी जो है 3 ईयर्स ऑप्शनल आप देख पा रहे हैं। तो इस बाइक के लिए लगभग आपका लगभग मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ 750 अप्रोक्स आपका जो पे करने से, ओनली 750 रुपया पे करने से इस बाइक का जो वारंटी जो एक्सटेंड हो जाएगा 3 साल के लिए। एंड टोटल 5 ईयर्स का आपको वारंटी मिल जाएगा। एंड टोटल मोटरसाइकिल अप टू 70,000 किलोमीटर तक आपका बाइक का वारंटी रहेगा, या तो 5 साल या फिर 70,000। एंड स्कूटर के लिए जो है या फिर 5 ईयर्स एंड या तो 60,000 किलोमीटर। एंड टोटल 110 पार्ट्स अंडर कवरेज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, टोटल 110 पार्ट जो है वारंटी के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यहाँ पर सुजुकी का आपको हर बाइक मिल जाएगा। तो दिस इज़ द एक्सेस 125 BT वर्सन। यहाँ पर आपको टेस्ट ड्राइव यूनिट भी है, हर बाइक का टेस्ट ड्राइव यूनिट मिल जाएगा। बागमैन का टेस्ट ड्राइव यूनिट है, इंट्रूडर का टेस्ट ड्राइव यूनिट है, जिक्सर 155 का टेस्ट ड्राइव यूनिट है, जिक्सर 250 का भी टेस्ट राइड यूनिट है। एंड यहाँ पर आपको बागमैन BT वर्सन एंड जिक्सर SF 150, इंट्रूडर 150, जिक्सर 250, यहाँ पर एनिवर्सरी एडिशन भी है जिक्सर SF 250 का। तो हर सुजुकी का हर बाइक आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप परमेश्वर सुजुकी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम जो है पूरा डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उत्तरपाड़ा भद्रकाली में शोरूम है, तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते। तो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुजुकी का और भी अगर कोई भी बाइक का रिव्यू आपको देखना है तो आई बटन में मैं पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। एंड आप लोग सेफ रहे, कोरोना से बच के रहें, डेफिनेटली मास्क यूज़ कीजिए एंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। टाटा।